Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kartik Parashar, you can also call me Germany wala. So guys, I'm back with a new informative video. The topic of today's video is blocked account. Yes, it is the same blocked account which is mentioned on your visa checklist. अगर आप जर्मनी पढ़ने आ रहे हो ना, तो आपको blocked account बनवाना है. एक line में मैं इसका मतलब समझा देता हूँ.

अब आप उसको जो पैसे आपने डाले थे उसको आप मंथली मंथली करके इंस्टॉलमेंट में यूज कर सकते हो ठीक है समझ आ गया आपने जैसे दस लाख रुपए डाले हैं अभी दस लाख साढ़े दस लाख का रेट चल रहा है तो ओवर द मंथ्स आफ्टर यू कम टू तो जर्मनी आपको हर महीने वो इंस्टॉलमेंट नाइन थर्टी फोर आपको हर महीने मिल जाएगी ठीक है ये आपको मैंने अमाउंट बता दिया है एंड मैंने आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी बता दिया अब ये रीजन आता है कि किस किस को जरूरत होती है ब्लॉक्ड अकाउंट की तो यार देखो अगर आप स्टडी करने आ रहे हो ना तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाना है इधर आर स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट स्टूडेंट कॉलेज बैचलर स्टूडेंट्स को पता होगा मास्टर्स और पी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप स्टूडेंट कॉलेज करने आ रहे हो या आप बैचलर करने आ रहे हो या आप मास्टर करने आ रहे हो या आप पी करने आ रहे हो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाना पड़ेगा ठीक है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें एक छोटी सी चीज़ है आपको स्पॉन्सरशिप लेटर से आपका काम चल जाएगा अगर आपके कोई रिलेटिव आपके जर्मनी में रहते हैं सिर्फ जर्मनी में वो अगर स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहे हैं तो आपको वीजा मिल जाए अब गैस मैं डेफिनेशन तो आपको दे चुका हूँ कि वट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट एंड वो चीज़ क्या होती है और कैसे कैसे आपको उसमें पैसे डालने हैं एंड वाई इट इज रिक्वायर्ड अब मैं आपको बताता हूँ विच इज द बेस्ट ब्लॉग अकाउंट विच इज करेंटली इन इंडिया राइट नाउ एंड विच यू कैन ऑप्ट एज अ स्टूडेंट फॉर अर वीजा एप्लीकेशन देखो यार एक चीज़ मेरे को इसमें ऐड करनी है अभी छोटा सा पॉइंट है आजकल इंडियन बैंक्स ने भी ब्लॉक अकाउंट देने शुरू कर दिए हैं एंड मेरे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर इंस्टाग्राम में उन्होंने बोला कि क्या वो इंडियन बैंक के जो ब्लॉग अकाउंट है इनमें ओपन करवाएं या नहीं करवाएं देखो मैं वो क्लियर आउट करता हूँ ध्यान से सुनना यार देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी इंडिया में जर्मनी आना चाहते हैं ठीक है मोस्टली मेजर सिटीज़ में रहते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकेंड टायर और थर्ड टायर सिटीज़ में भी रहते हैं जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बैंगलोर इन में भी रहते हैं और इनके अलावा जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पे जो ये इंडियन बैंक्स की जो ब्रांचेज है ना वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है जो एम्प्लॉज़ हैं उन बैंक्स में काम करते हैं उनको पता भी नहीं है कि ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है अब आपको वहाँ पे जाके उनको खुद समझाना पड़ेगा कि देखो ये ब्लॉक्ड अकाउंट ये होता है मेरे को ऐसे ऐसे इसमें पैसे डालने हैं और ऐसे ऐसे सीन है में अब आप खुद देखो ये सारा का सारा प्रोसेस कितना हैक्टिक हो गया आप लोगों के लिए आपको खुद समझाना है उसे आपके लिए पहले ही एक वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो टेंशन वाला होता है ये एक चीज़ आपके लिए और आ गई है ठीक है तो आई वोट सजेस्ट यू कि आप ओपन करो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट इन इंडियन बैंक्स में और सिर्फ छोटी सिटीज़ की बात नहीं मेजर सिटीज़ में मैं भी दिल्ली में रहता था ठीक है मैं दिल्ली से ही आया हूं वहां पे भी मेरी जो नियरेस्ट ब्रांच थी प्राइवेट सेक्टर बैंक की एक ब्रांच थी उनको पता भी नहीं था लॉक्ट अकाउंट क्या होता है तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडियन बैंक से ब्लॉकड अकाउंट तो बिल्कुल भी ओपन मत करो क्योंकि उनका यहाँ पर जर्मनी आने के बाद का एक्टिवेशन बहुत लंबा होता है क्योंकि यार यहाँ पे आके आपको यहाँ के बैंक में ओपन करवाना पड़ता है और कई बार उनका ना क्लैश हो जाता है तो उसमें आपके पैसे स्टक हो जाते हैं बहुत दिक्कत आ जाती है अब गाइज मैंने आपको बता तो दिया कि इंडियन बैंक में क्या क्या दिक्कत आ रही है लेकिन बेस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट कौन सा है जो हमारा मेन पार्ट है आज की वीडियो का अब उस पर बात करते हैं तो गाइज़ मैंने इस चीज़ में बहुत रिसर्च करी है मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी बताया था कि मैं इस वीडियो पर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था क्योंकि अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं विंटर सेमेस्टर में एंड मैं

एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ जो बाकी ब्लॉक अकाउंट होते हैं ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड होते हैं फॉर एग्जांपल जो इंडिया का स्टूडेंट जर्मनी पढ़ने आ रहा है उसकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी वीज़ा प्रोसेस की एज कम्पेयर टू स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम टर्की ठीक है तो टर्की और इंडियन स्टूडेंट की दिक्कतें अलग होती हैं तो जो कोरेकल ब्लॉक्ड अकाउंट है ना वो exactly जो इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर इन स्टूडेंट और क्या क्या अकाउंट ओपन में, में। तो रिजोल्यूशन किया गया है में। आपको बता दिया कि कोरेकल इज द बेस्ट ब्लॉग अकाउंट अब एक और जो चीज मेरे को आपको बताने से रोक नहीं पा रहा आपको भाई बेस्ट क्यों है जब आप कोरेकल में अपना ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए यस ओनली टू डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर डन विद योर बलॉक्ट अकाउंट एक्टिवेशन आपको सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए एंड दूसरा आपका जो आपका एडमिशन लेटर आता है जर्मन यूनिवर्सिटी से बस वो चाहिए जो बाकी ब्लॉक अकाउंट है ना मैंने भी खुलवाया था भाई वहां पर इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बेशक आपके वहां पर डॉक्यूमेंट्स बाई पोस्ट नहीं मांगते हैं लेकिन दस पेज तो वहाँ पर इंफॉमेसन मांगते हैं आपसे कि ये दो ये दो सारी इन्फॉर्मेशन दो ये सारी इन्फॉर्मेशन दो एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं सत्तर तरह के क्रैकल में आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स देना है और एक पेज का आपका फॉर्म होता है बस आपको वो फिल करना है अभी देखो यार इतनी सारी टेंशन पहले ही होती है स्टूडेंट्स को जर्मनी आने वाले को जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन प्रोसीजर में उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट की भी टेंशन होती है 50 परसेंट टेंशन तो यही लेके बैठा होता है तो अब आप देखो जब एक्टिवेशन आपका सिर्फ एक पेज का है सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो बेस्ट क्यों नहीं होगा यार वो जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा आपके लिए फ़्लॉलेस बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे एंड जितनी जल्दी हो सके आपको आपका ब्लॉक्ड अकाउंट नंबर देने की कोशिश की है एंड जो रियलिटी है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है एंड आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट नंबर मिल जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो प्राइजिंग ऑफ दिस कोरेकल ब्लॉक अकाउंट ठीक है मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है लेकिन प्राइजिंग कितनी है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरेकल में टू टाइप ऑफ पैकेजेस आप कह सकते हो दो तरह के आपके पैकेजेस होते हैं दो तरह के तरीके होते हैं कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हो द फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली वी अकाउंट आपको नाइनटी नाइन यूरोज देने हैं पर ईयर दैट्स ऑल आपको कोई भी मंथली फीस नहीं देनी है ठीक है और जो ब्लॉक अकाउंट हैं वहाँ पर आपको मंथली खर्चे भी देने होते हैं ब्लॉक अकाउंट आकर आपको सिर्फ सिर्फ अगर एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है थ्रू कोरेकल आपको नाइन्टी नाइन यूरोज देने हैं एंड यू आर डन

इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं, तो आपको आपका वीजा नहीं मिलेगा जितना इंपॉर्टेंट आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है उतने ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है इनके बिना भी आपको आपका वीजा एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी आपको वीजा नहीं मिलेगा तो अब देखो कोरेकल प्राइम में आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी मिल रहा है फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस है और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है तीनों चीज सिर्फ 59 यूरो में मिल रही है एंड दिस इज द बेस्ट डील विच यू कैन गेट कोई मंथली चार्जेस नहीं है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कोई हिडन चार्जेस नहीं मैं जब रिसर्च करा था कोरेकल की प्राइसिंग की तो मुझे एक और चीज पता चली मुझे यह चीज पता चली कि यार जो बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स है ना वहां पे आपको ज्यादा जो चॉइस नहीं मिलती है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स की जर्मनी में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं तो कोरेकल में आपको तीन तरह तीन से चार तरह की आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर आप चूज कर सकते हो आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो कि यार आपको किसको चूज करना है बारमर आओ का बहुत सारे होते हैं उस पर बेस्ट है लेकिन अब देखो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लो जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस जो बाकी जो ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं ये चॉइस आपको वो नहीं देते हैं अब बात करते हैं बफर अमाउंट की बफर अमाउंट क्या होता है बफर अमाउंट देखो जो बाकी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स होते हैं एंड इवन इंडियन बैंक वो आपसे ना कुछ हंड्रेड या टू हंड्रेड का आपसे बफर लेते हैं ये बफर क्या होता है आपसे जो भी आपका खर्चा है ना वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे अपनी फीस वगैरह सेटअप अकाउंट सेटअप की जो फीस हैं, वो लेते हैं। में कोई होती है तो ही पैकेजेस है वो लोग लो ना आपके सेटअप फी के अलावा आपकी मंथली फीस के अलावा आपसे बफर अमाउंट लेते हैं सो से दो सौ यूरो का वो बोलते हैं कि यार हमारा बीच में कभी भी अगर यूरो का रेट ऊपर नीचे हो गया तो हम इससे काटेंगे भाई ये एक नॉन सेंस एक्सपेंसिज है इसको लेने का कोई हक नहीं बनता कोई तुक नहीं बनता इनका लेने का मैंने दिया था मेरे को आज की डेट में फील हो रहा है कि यार मेरे तो यार पैसे बिल्कुल अटके पड़े हैं वहां पे एक तरह से एक और चीज बताऊंगा आपको जो बफर अमाउंट वो लोग बाकी लोग आपसे देते हैं वो आपको कब देते हैं आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट में मतलब जो आपकी बारहवीं इंस्टॉलमेंट आती है ना आपको तब देते हैं मतलब पैसे तो यार सो हंड्रेड यूरो बहुत ज्यादा नहीं होते होंगे बहुत लोगों के लिए लेकिन बहुत लोगों के लिए आठ दस हजार रुपए बहुत ज्यादा होते हैं तो वो फालतू का खर्चा है अब आप देखो छोटी छोटी चीजें करके ही पता चलता है कि यार कौन सी चीज बेटर है कौन सी चीज अच्छी है जब आप डिटेल में जाते हो ना तभी आपको पता चलता है कि कौन सा बेस्ट है एंड इन क्रैकल ज नो बफर अमाउंट ठीक है कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है तो मैं आपके आगे फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ कि कोरेकल क्यों बेस्ट है कोई बफर अमाउंट नहीं आपके लिए और प्राइजिंग भी बेस्ट है कोई भी मंथली चार्जेस नहीं है एक बार आपसे चार्ज लेंगे बस वही उसके साथ साथ आपको जो कस्टमर सर्विस है इसकी वो बेस्ट है यार विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको आपका रेजोल्यूशन मिलेगा आपको कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी आप इनके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो जो क्रैकल का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी आपको पर्सनलाइज मैसेजेस की रिक्वेस्ट आप वहाँ पे भेज सकते हो और आपको रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे मेल तो आप कर ही सकते हो राइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात आ जाती है कि अब आप जर्मनी आ चुके हो और अब आपको अपना अपना क्रैकल ब्लॉड अकाउंट एक्टिवेट करवाना है आपका दो से चार दिन के अंदर अंदर आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स पता है कौन से कौन से चाहिए बहुत सारे नहीं चाहिए सिर्फ एक चाहिए कौन सा चाहिए अगर आप जर्मनी आते हो तो आपको एक यहाँ पे किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है डोइचे बैंक पारकाजे कॉमर्स किसी में भी और वो अकाउंट ओपनिंग की कन्फर्मेशन आपको देनी है बस कोरोकॉल को वो अकाउंट ओपनिंग की कन्फर्मेशन चाहिए कि आपने यहाँ पर आकर अपना अकाउंट ओपन करवा लिया जिससे वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकें दैट्स ऑल मैं गारंटी से बताता हूँ यार मैंने खुद खोला था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आया है, जो बाकी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स है ना उन्होंने क्या शुरू कर दिया अब आपको पोस्ट ऑफिस जाना है अपनी वेरिफिकेशन के लिए भाई मेरे पैसे हैं मैंने डाले हुए हैं मेरे को ही जाना है पोस्ट ऑफिस मैं जर्मनी में नया नया एज ए स्टूडेंट आया हूँ मेरे को हफ़्ता भी नहीं हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं खुद जाऊँ किसी नियरेस्ट पोस्ट बैंक में पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे जाके मैं अपनी वेरिफिकेशन कराऊँ मतलब नॉनसेंस है यार मतलब मजाक है एक तरह से मैं सारा खर्चा भी दे रहा हूँ मैं वहाँ दूसरे वालों को मैं अपना मंथली फ़ीस भी दे रहा हूँ बफर अमाउंट भी दे रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मेरे को क्या मिल रहा है मेरे को आने के बाद मेरे को खुद अपने घर से जाना है उठ के जिसमें मेरे को पता नहीं है कोरेकल में ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एक मेल भेजनी है एंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा विद इन टू टू फोर डेज ये गारंटीड है आपका मैक्सिमम दो से चार दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड दैट्स ऑल यार आपका सारा का सारा प्रोसेस कोरकल का इतना ईजी है और इतना फास्टर है इतना स्मूदर है आपको कस्टमर सर्विस भी इनकी बेस्ट है इतने सारे पॉइंट्स हैं अब आप मुझे बताओ मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं ये जो चीज़ है वो क्रैकल वाले आपको दे रहे हैं एंड अब आपको खुद डिसाइड करना है यार बेस्ट कौन सा है तो आई थिंक मैं क्रैकल का एक ओवर भी आपको दे पाया हूँ कि क्यों बेस्ट है क्यों मेरी रिसर्च में इतने दिनों से इस पर कर रहा था और मैंने आपको बता दिया इनके फाउंडर भी इंडियन है तो उनको पता है कि क्या क्या दिक्कतें इंडियन स्टूडेंट्स को आएंगी और वही यहाँ पे उनको रेजोल्यूशन दिया गया है हर पॉइंट कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कोरोकल ब्लॉड अकाउंट से रिलेटेड आप वो मुझसे पूछ सकते हो एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए अगर आप कोरेकल का ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो आपको टेन यूरोज़ मिलेंगे अपना अकाउंट ओपन करवाने पर तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग यार पहले ही आप फिफ्टी नाइन और नाइनटी नाइन बहुत कम दे रहे हो एंड उस पर भी आपका फोर्टी नाइन और एट्टी नाइन हो जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैंने आप स्क्रीन पर भी डाल दूंगा आप वो कोड यूज करके मेरा कोड यूज़ करके अपना कोरेकल का ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हो कोई क्वेश्चन क्वेरी है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जर्मनी मनी वाला पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो मैं आपको जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू